चलो भाई आज पाला गिन के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई हसन तो आज पहले ही छत पे पहुंची है। हसन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये गिराने की कोशिश, ये ऐसे थोड़ी लेगा, इसको खुला छोड़ दो, कहीं भी नहीं आएगा। ये देखना भी क्या करेगा, मैं 2-3 मरतबा पकड़ चुका। ये उधर भाई है देखिए। हाँ तो वो तो करेगा ना, वो खुला। यार क्या करना है यार इसका, ये खुला रहने दे। ये मैं ये सोच रहा था इतनी देर से इसको लेके बैठा हूँ, अकेले परेशान हो गया यार ये। तुम बताओ ना क्या करें, इसकी माँ था तुमने अलग उसके साथ रखी हुई, क्या है? जाली पड़ी हुई है, मतलब जाली लगाते हैं इसका पोर्शन कर देते हैं बिटा। तो मादा को एक तरफ, हाँ ये काम करते हैं, मादा को इसके साथ डाल देते हैं आज, देखते हैं एक दिन डालते हैं, सही है? अगर अल्लाह ना करे थोड़ा बहुत भी मारा वारा तो अपन एक काम करेंगे, कल हटा देंगे वापस। फिर ये तो पकड़ो, मेरे हाथ में इतना वजन है, या तो ये पकड़ो। पालक लाया हूं सबके लिए, पालक आज ज्यादा लिया है। हां सही है ना, रात तक ये तकरीबन आधे घंटे से बैठा हूं इसको लेके, क्योंकि बाहर खुलता नहीं है ना, मिल रहा है इसको खोल के थोड़ा बहुत घुमाऊं। देख रहे हो ये देखो, इसने अपने पर भी कितने झाड़ दिए, लेकिन अच्छा हो गया, पहले से बेहतर हो गया। सूरत तो है वो माशाल्लाह से, पहले से बेहतर हो गया, दम वो पूरी कर ली उसने। हाँ ना, लेकिन यार एक बात है, इसकी माता सेट हो जाती ना, अभी तक सेट हो जाता। और हम तो यार ये बड़े केज में रहने वाली चीज है, नहीं नहीं ये भी अच्छा अपने पास ना, नहीं अपने पास यार छोटी जगह है बहुत, इसके हिसाब से नहीं, नहीं, वो मास्टर केजेस होते हैं जिसके अंदर वैसे उसमें तो लाजमी सी, उसमें ये अंडे भी आराम से दे देगा। चलो खैर यही लाया दाना बनो, चलो मैं नीचे से ला रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों मैं इसके पास बैठे हुए सिर्फ यही सोचा था कि कब इसको यार हमारा जो ये है ना सुरखाब, कब इसको वापसी हम सेटिंग में लाएं यार, क्योंकि बहुत अकेला हो गया है। तो मैं सोचा यार आज इसके साथ हम इसकी मादी को डाल देंगे। और अभी मैं छोड़ने का सोचा था, पर मैंने बोला बाहर ये कुछ भी नहीं करेगा, मादा आगे उधर कहीं भागती रहेगी और ये जो है ना ये आगे पीछे कहीं निकल जाता है। इस वजह से इसके साथ आज है ना हम इसको बंद करके देखेंगे और कल देखेंगे कि ये दोनों सेट हुए हैं या नहीं, या फिर ये अभी भी अपनी जो मादा है उसको मार रहा है या नहीं। तो यार बस ये मुश्किल आई हुई है हमारे सर पर और इसको सेट करना है हमने। खैर हेलो भाई, यार तुमने रोटी आज कम भिगवाई है, हैं कम खा रहे हैं? चलो पालक भी तो होगी ना यार आज, हैं आयरन मिल जाएगा सारों का अच्छा खासा दोस्तों। तो आज पालक भी ढेर सारी है हमारे पास देखें, और माशाल्लाह सब में ही पूरी हो जाएगी। नीचे और पड़ी भी थी वो, बस ठीक है यार लेकर आऊँगा दोस्तों, रैबिट को अलग से डाल देंगे। तो यार दोस्तों आज ठंड इतनी शदीद हो रही थी सुबह में कि मैंने देखें सबको ढका हुआ था, इनको भी अभी अभी आके ऊपर खोला है, देखें ये भी ढके हुए हैं। इनका हटा दिया था मैंने पर्दा, सुरखाब को निकालने की वजह से पर्दा हटाना पड़ा, इनका भी हटा दिया था। तो बहुत शदीद किस्म की अचानक ठंड वापसी आई है, जैसे 2-3 दिन से शदीद गर्मी हो रही थी पर आज आ गई है। और बाकी यार मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दूं, पता नहीं हमजा को पता है नहीं, तुम्हें पता है? अंडा दे दिया, एक और एक अंडा दिया अभी। हाँ हाँ तो एक दिया, एक इंशाल्लाह कल आ जाएगा, कल या परसों। तो दोस्तों माशाल्लाह से यही थी खुशखबरी हमारे सेटल नेट ने, वो देखें वो पड़ा हुआ इनका एक अंडा, अभी बैठ नहीं रही है, क्योंकि यार जब दोनों अंडे देती है ना मादा फिर बैठती है सुकून से, और इनका होता होगा कुछ चक्कर भाई, तो 2 अंडों के बाद ये इस तरीके से बैठती है उसमें। फिलहाल यार मैं इसमें नेस्ट भी डाल दूंगा ताकि ये ना हो कि ये अंडा तोड़ दें उस पर लग लगा के, अक्सर इनके उससे टूट भी जाता है खुद ही। क्या है मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ तुम्हारी, वही नहीं मिल रही है यार, ये बड़ा परेशान। और सबसे ज्यादा ना हमारे सेटअप का खतरनाक तरीन मुर्गा है कटखन्ना वाला। एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों, बताना भूल गया, हमने अपने सेपरेट को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और जो हमारा छोटा डॉन है उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। देखें माशाल्लाह से ये रहे हमारे छोटे डॉन। यहाँ शिफ्ट करने की कोई ख़ास वजह नहीं है, पर बहुत ज़्यादा खास वजह एक ये है कि दोस्तों छोटा डॉन वहाँ पे ना पूरा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि छोटे डॉन के हिसाब से वो पिंजरा छोटा है, और ये जो है ना ये सेपरेट के हिसाब से बहुत बड़ा था। सेपरेट उसमें देखें सुकून से हैं और छोटा डॉन यहाँ सुकून से है, और जो ये लोग पेयरिंग करते हैं ना तो वो भी आराम से हो जाएगी उसमें, इसलिए हमने ये कल ही तब्दील कर दिया था। ये लो भाई तुम्हारी रोटी। तुम यहाँ कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ आपका हमारे पास, क्या खुश हो रहे हो? भाई ये बहुत खुश होते हैं मुर्गे मुर्गियों से, पता नहीं क्या इन्हें देख के खुशी होती है। ये देखे क्या खुशी है बताओ, दे दे। अभी बोलना नहीं आता इसे, जब बोलना सीखेगा ना फिर ये बोला करेगा और हमारी बहुत बुद्धि मचाएगा। हाँ तो यार ये आ गया रैबिट का हमारा खाना, ढेर सारी पालक। तो यार दोस्तों इनको खोल दिया है और सबको मैंने अंदर ही डाल दिया था। तो यार दोस्तों ये बुरादा ले लेते हैं हम, ये रहा तो ये ले लिया मैंने यार, एक मुट्ठी आ जाओ जरा।
ये मैंने क्यों लिया आप समझ गए होंगे, यार हमारे जो सेटल नेट ने अंडे दिए ना, ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे इससे पहले कि ये देखें अपना अंडा ख़राब करें। इससे पहले डाल दूँ अरे अड़िया, बस सही है, फैला तो उसने खुद ने लिया यार, छोड़ दो छोड़ दो, वो ऐसे अंडा तोड़ देगा यार, मादा तो वो है, ये नर को ज़्यादा वो नहीं है मुसीबत, तो अंडा तो उसने दिया ना, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है इतनी। मैं तो कह रहा हूँ मुर्गी के अंडे रख दे। हाँ मैं किसके अंडे रख देते, दोनों तो दे पहले। पर यार मुझे ऐसा लग रहा, अच्छा तुम इनके अंडे बोल रहे हो वाइट वालों के, पर वो रखे हुए टाइम हो गया अपने पास दो हफ्ते से ऊपर, नए अंडे उस पर कोई लिखा थोड़ी है हमने जल्दबाजी में, साफ सुथरे हो नए अंडे तो रख दें, एक रख देना, एक इन्हीं का रखे रहने ना, किसी का एक बच्चा तो आएगा। तो यार एक चीज़ से हम बड़े परेशान हुए हैं दोस्तों, हमजा भी मैं भी भाई भी, हमारे सेटअप पे यार अंडे नहीं आ रहे, वो कब से नहीं आ रहे, हमने कितना टाइम हो गया होगा है ना, तकरीबन अच्छा खासा टाइम हो गया दोस्तों, अब के सर्दी का टाइम है, मुर्गियों को तो अभी अंडे देने चाहिए ना, मिश्री दे रहे हैं यार मिश्री, ये तो बहुत ज़्यादा अंडे दे देती हैं, मैं समझ नहीं आ रहा, और ये तो पाली भी मेरी खुद की हैं दोस्तों, ये हो के इनका वन ईयर निकल गया अंडा दिए हुए, या फिर टू ईयर निकल गए हो, दो साल निकल गए अंडे दिए हुए, भाई फर्स्ट अंडे थे इनके और इन्होंने पता नहीं कितने कम अंडे दिए हैं, और वो भी हमने आधे था तो फील्ड पर दिलवाए इनको, तो यार समझ नहीं आ रहा हमारे सेटअप पे अंडे कब आएंगे आखिर मुर्गियों के, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम इस चक्कर में। यार दोस्तों हमजा ने जो है उसको निकाला है बच्चे को, यार तुम्हें क्या लग रहा है इसको हैं, अच्छा एक चीज़ तो बताओ हमजा मेरे को, एक चीज़ बताओ, लोग अक्सर दोस्तों मैंने देखा है क्रिटिसाइज़ करते हुए पेट ब्लॉगर्स पे कि यार ये लोग ऐसे करते थे मारते थे वो, भाई जान करके कोई नहीं मारता, भाई जान करके मारते हैं लोग, क्या यार हम अपना नुकसान खुद क्यों करेंगे, नहीं मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा, ये और भी पेट ब्लॉग्स हैं बेचारे, उन लोगों पे भी काफी लोगों पे बोल दिया जाता है कि यार या उन्होंने तो शेर को ऐसे कर दिया, या उन्होंने तो कबूतर मार दिया, या उन्होंने तो रैबिट मार, अबे भाई कोई नहीं चाहता कि उसका कोई पेट मरे दोस्तों। खैर इसी चक्कर में हम लगे हुए, ये देखें ये हमारा बच्चा है, हमने इसको उठा के दिखाना है, ये देखें अब ये ना कमजोरी में कितना आया हुआ है, और इसका जो बड़ा भाई है ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसका इतना बड़ा साइज हो गया है, ये रहा वो देखें पूरा उसमें आया हुआ है वो कुंडली में, अब तो इसके माँ बाप अक्सर खिलाना छोड़ देते हैं यार। खैर इसके लिए दोस्तों दुआ करें, इसका नाम भी मैंने सोचा है, इसका नाम तुमने सोचा था, इसका नाम बताओ कोई रखें, अभी नहीं अभी बड़ा होने, फिर भी कोई नाम तो बताओ, बच्चे का ही नाम रखे जाता है भाई, बड़ा होगा मैंने बताया पता ही क्या, मैंने नाम रखा है इसका अपना, पूरे 15 मिनट बैठा हूँ फिर मुझे नाम अच्छा सा याद आया, नाम क्या याद आया, खाने का नाम है वो मैगी नाम रखा है भाई हमने इसका, क्योंकि हमजा बोल रहा है ये नर नहीं है मादा है पक्का कंफर्म है, उसका पास्ता रख दे रख देंगे उसका पास्ता दोस्तों, आज से ये मैगी और पास्ता स्पेगेटी जो भी समझ आएगा वो रख देंगे हम, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो ये हमारा मैगी हो गया, तो मैगी के लिए आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बताना है, और दुआ करनी है कमेंट में आप लोगों ने लाजमी है मैगी को अल्लाह पाक जल्द सहतियाब कर दे। तो यार दोस्तों आज हमें ना सिर्फ एक खुशखबरी मिली है कि हमारे जो ये सेटल नेट पिजन्स हैं इन्होंने फाइनली एक अंडा अपना दे दिया है, और बाकी इनका अंडा दूसरा इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा हमारे पास दोस्तों। तो यार दोस्तों आज हवा का प्रेशर बहुत तेज है, आप देख रहे हैं ये देखें तरपाल की हालत देखें, इस वक्त हवा इतनी तेज ठंडी चल रही है मैं क्या बताऊँ, हम समझे थे गई ठंड पर ठंड नहीं गई, काफ़ी शदीद ठंड वापसी लौट कर आ रही है, अभी आखिरी झटके मार के जाएगी। तो खैर इन सबको हमने खिला पिला दिया है, बस ये पानी पी लेंगे आखिरी रह गए थे, तो इनको पिला के उनको नीचे ले जाके बंद करेंगे, और इनको यहाँ पे बंद करके सेटअप पूरा क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।